क्या बात है रजनी, तुमने मुझे अचानक इस तरह फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ बोलो? हाँ राज। क्या बात है रजनी? राज, मेरी मामी ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शादी कहीं और? ये कैसे हो सकता है रजनी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो चलो मैं अभी तुम्हारे घर चलकर तुम्हारी मामी से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। नहीं राज, कोई फायदा नहीं है। मेरी मामी दौलत की लालची है, वो तुम्हारे साथ मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि मेरी मामी को मेरे पति की शक्ल में 1 करोड़पति दामाद चाहिए। शायद मेरी परवरिश की कीमत वसूल करना चाहती हूँ। वो ऐसे आदमी से मेरी शादी कभी नहीं होने देंगी जो अपनी पढ़ाई का खर्च भी बच्चों की ट्यूशन पढ़ाकर वसूल करता है। तो तुम्हारी मामी की नजर में दौलत ही सब कुछ है? प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, अपनापन कुछ भी नहीं? नहीं। और तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ 1 लाल जोड़ा भी मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगा। मगर मगर क्या? अगर हम दोनों ने चोरी छुपे शादी कर भी ली तो मेरी मामी दौलत की ताकत से हम दोनों को जुदा कर देंगी। नहीं रजनी, अगर तुम मेरे साथ हो तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और रही तुम्हारी मामी की दौलत की ताकत की बात, तो उसका जवाब भी मेरे पास है। वो क्या है राज? रजनी, मैं शहर के कुछ ऐसे करोड़पति और ताकतवर लोगों को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। उन लोगों ने हम जैसे गरीब लोगों की शादी कराई और उनका घर बसाया। हमारा यकीन है कि हम उनके पास चलेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कौन है वो लोग? चल। क्या बात है भाई राजदीप? ठीक है साहब, ये रजनी है। जी नमस्ते। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। और इसके घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते होंगे, उसका कारण है तुम्हारी गरीबी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, हम जो साथ में हैं। हमने तुम जैसे ना जाने कितने गरीब लोगों की शादी करवा के उनका घर बसवा दिया। सारी दुनिया जानती है। अरे तुम्हारा घर बसा देंगे, इसमें बड़ा सुकून मिलता है। इसी उम्मीद से तो हम आपके पास आए हैं। राणा। हाँ जी भाई, इनकी शादी कराने का प्रबंध करो। अरे अभी कराते हैं शादी। और लो भाई थोड़ी सी और लो। नहीं नहीं, मैं पहले ही बहुत ज्यादा पी चुका हूँ। अरे लो भाई। नहीं नहीं, मैं और लो ना। अरे पी लो यार। नहीं लो। नहीं, नहीं रजनी, रजनी मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं जाता हूँ। अरे तुम रजनी की फिक्र मत करो, उसे हम समझा लेंगे। चलो 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 और चल चल। हाँ जाओ जाओ, मैं भी आता हूँ, जाओ। क्या हुआ? अंदर कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है तू? मैं सुहागरात मनाने जा रहा है। अबे बेवकूफ, शादी तेरी हुई है, सुहागरात हम मनाएंगे तेरी बीवी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब पहले सुहागरात करेंगे पीके। और उसके बाद राजपाल। और उसके बाद समीर। और उसके बाद आराम से उन कमीने। Get out!
क्या बात है भाई? वाह! आप? हाँ? अरे क्या हुआ? नहीं, छोड़ो! बचाओ! फायदा नहीं चलेगा। सुहागरात बनाएगा? उठाकर खाई में फेंक दो। अरे मुझसे शादी करोगी? तुम में से कल्लू कंप्यूटर को है? क्यों? हा? मिलने का आप उनको उससे काई को पैसा देने का पैसा? नेशनल कॉलेज में तुम्हारा लड़का ना सलीम, जो ब्राउन शुगर का धंधा करता है, उसी ने अपन को यहाँ पे भेजा है। 1 लाख के माल का 2 लाख रुपया देगा। 2 लाख? ए! ये अब उन्हें कल्लू कंप्यूटर, चल पैसा निकाल। ये पहले माल दे। अबे ओए, पैसा निकाल और निकल ले पतली गली से। ये कल्लू कंप्यूटर का एरिया है, इधर दिखाई मत देना, नहीं तो तेरी जिंदगी का कंप्यूटर बंद कर देगा। चल निकल। ये सियाने, तू अपन को नहीं जानता, अपन किसका भाई है? अगर अपन का भाई इधर आ गया ना तो तेरी तो ये कौन है तेरा भाई? कौन है रे? कौन है तेरा भाई? बोल भैया। कौन है भैया? इसका भाई कहीं का भाई नहीं, इस देश का सिपाही है, संजय कुमार, इंस्पेक्टर संजय कुमार। संजय भैया, यही लोग हैं जो हमारे कॉलेज में ब्राउन शुगर बेचते हैं। ओह हाँ, तो तुम लोगों ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी? हाँ भैया। अब तुम इनकी वो हाल करूंगा, इन्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। वह वर्दी वाले ऑफिसर, चल भाग ले यहाँ से, भाग ले। दोबारा शक्ल मत दिखाना, नहीं तो ऐसी टंगड़ी तोड़ूंगा कि चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। चल भाग ले, भाग ले, चल भाग, 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 चल भाग। इस देश की नस्ल को बर्बाद करने वाले, मैं तुम्हें चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा? और तुम्हें ये पूरी जिंदगी पछतावा होगा।
कि तुमने इंस्पेक्टर संजय से पंगा क्यों लिया। तेरी तो ये देखा, तू मेरे भैया को बोलता था ना भीख मांगने के लायक नहीं छोड़ूंगा, अब मेरे भाई ने तेरे को भीख मांगने के लायक नहीं छोड़ा। क्यों बज गई तेरी घंटी? अरे घंटी इसकी नहीं, तेरी मोबाइल की बज रही है। देख देख किसका फोन है, चल देख लूंगा। देख देख किसका फोन है। हाँ देखता हूँ भैया। अरे भैया ये तो घर से फोन है। नौटंकी बंद कर, बात कर तू यार। आपने उसको पगार दे दी ना? अच्छा अच्छा करता हूँ। हाँ बोल लीलकंठ, क्या गांव से भाभी आई क्या? हाँ संजय भैया की बीवी। हाँ भैया तो नहीं कर रहा। हाँ हेलो, मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ भैया, आप खुद ही बात कर लीजिए ना। हाँ नीलकंठ, हाँ बोल, क्या भागवंती आ गई? अरे बाप रे बाप, ठीक है तू उसे संभाल लेना। हाँ 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 ठीक है ओके। अरे ये तो कमाल हो गया, ये पकड़ो मोबाइल। बचपन में क्या हुआ था कि मेरी माँ बाप ने शादी करा दी उसके साथ, और उसके माँ बाप मर गए, किसके पास रहती इसलिए यहाँ चली आई। बस आगे तू चल मेरे साथ। अरे भैया मगर उनका क्या होगा? किनका? जो पड़े हैं वहाँ पे, उनका भी बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। ला दे मोबाइल। हेलो, हाँ पाटिल, हाँ इंस्पेक्टर संजय बोला हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। यहाँ आर एस पेट्रोल पंप के पास 2-3 गुंडे जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। हाँ उसे अरेस्ट कर ले और लॉकअप में बंद कर दे। अरे नहीं यार, मैंने उसे इस हालत में नहीं छोड़ा कि भाग सके। ओके हाँ चल ठीक है। ओके भैया चले। अरे चल चल आज मैं देखो। अच्छा ठीक है ठीक है। अब हमारा कोई नहीं रहा जी आपके अलावा। माँ बाप तो मुझे छोड़कर चले गए। गाँव वाले कहा शहर में तेरा मर्द रहता है, वही आकर लेके जाएगा, मगर आप तो नहीं आए इसलिए मैं खुद आ गई। वो क्या है कि मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में देर से पता चला इसलिए मैंने आ सका। ठीक है अब मैं यही रहूंगी, आप समझिए हमारा गाना हो गया। हाँ हाँ ठीक है यही रहना तुम। अरे भाभी आप किसी फैशन ड्रेस कंपटीशन से आ रही हैं क्या? अबे यार ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन ये नौटंकी, ओफो मेरा मतलब है कि जहाँ की रहने वाली है वहाँ ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अरे तो भैया चलिए ना, हम 2-3 महीने भाभी के गांव में रह के आते हैं। अच्छा चलिए ना भैया। भाभी के गांव में रहेगा? हाँ वहीं जाके रहेगा। तू जा यहाँ से, तू जा चल फुट जाओ पर। भाभी के गांव में भागवंती बैठ, पैर नीचे करके बैठो ना। वो क्या है भागवंती के मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में देर से पता चला इसलिए नहीं आ सका, I'm sorry। रो क्यों रही हो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या हुआ भैया, भाभी क्यों रो रही है? कुछ नहीं, इसे अपनी माँ की याद आ गई। ओ मैंने सोचा था आपने भाभी को चोर समझ के पिटाई कर डाली है। पुलिस वाले हो ना, कोई भरोसा नहीं है आपका। जब देखो तो डांटते रहते हैं। भगवती रो क्यों रही हो, मत रो। मुझे अपने बाबू की भी याद आने लगी है। बाबू की याद आने लगी? अच्छा अच्छा देखो देखो ये शहर है, यहाँ इस तरह से नहीं रोते। शहर में कोई मरता है, किसी की मौत हो जाती है तो क्या लोग रोते नहीं है? शहर में मर रोते नहीं है क्या? रोते हैं भगवंती रोते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं रोते हैं। मैं तुमसे कुछ कह रहा था। कहो ना। मैं तुम्हारे ड्रेस ये कपड़े ये है ना? ये कपड़े? हाँ। ये कपड़े मैं कुंभ मेले से लेके आई थी। कुंभ मेले से? पता है मैं बसंत की शादी में भी यही पहन के गई थी। ये पहन के गई थी ना? हाँ चलेगा चलेगा, बहुत अच्छा है। मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम्हारे ये कपड़े शहर है ये भागवंती, और शहर में इस तरह के कपड़े नहीं चलते हैं। तुमको इस शहर के हिसाब से यहाँ जो फैशन है, मेरा मतलब है कि इस शहर के रंग ढंग के हिसाब से, शहर के हिसाब से अपने आप को रंगना पड़ेगा। क्या? हाँ मैंने तो कपड़े और मकान
यही पे रंगते देखा था। यहाँ पे इंसानों को भी रंगा जाता है क्या? नहीं भागवंती, देखो यहाँ शहर में ऐसे ड्रेस नहीं चलते। अच्छा अच्छा अच्छा, पेंशन मतलब पेंशन 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 पेंशन, तुम्हारा मतलब है टेंशन। अच्छा अच्छा ठीक है, हम भी अंग्रेजी सीख लेंगे। हाँ तुम तो सीखी हुई हो। अच्छा ला दो मेरी टोपी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्या? हाँ पुलिस स्टेशन। हाँ मैं इंस्पेक्टर हूँ, दरोगा दरोगा जानती हो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दरोगा जी मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा आप जाओ। हाँ मैं जाऊँ? हाँ अच्छा। भगवंती तेरे तो भाग ही खुल गए। तुमका गिरा पर नहीं गिरा। अबे ओ तू यहाँ क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं, सफाई कर रहा हूँ। सफाई कर रहा है? सफाई मत करना, वैसे भी आजकल के नौकरों का भरोसा नहीं है। अपने बिरादरी वाले को चोर कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अबे ओ ढक्कन, मैं तेरी बिरादरी की नहीं हूँ। मुझे तो संजय साहब के पिताजी ने बचपन से पाला है। वैसे भी संजय और विजय भैया मुझे अपनी बहन जैसा समझते हैं। उस हिसाब से मैं इस घर की मालकिन जैसी हूँ। अरे मालकिन जैसी हो ना, इस घर की मालकिन तो नहीं हो। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि घर की नई मालकिन है ना, वो आ गई है समझे। हमारे संजय भैया है ना, उनकी बीवी। अच्छा तो तुम यहाँ से अपनी दुकान उठा लो। क्या? मेरा मतलब है अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। अगर ना मिले तो ये बंदा तैयार है, आधी रात को आकर कहोगी ना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करूँगा। शादी तुमसे? सभी नहीं, तुमसे शादी करने से तो अच्छा है मैं कुंवारी बैठी रहूं। अरे तुमसे शादी की तो दूर, मैं तुम्हें अपनी शादी की पार्टी में भी बुलाने वाली नहीं हूँ। शक्ल देखिए अपनी आईने में, हंसता है तो लगता है रो रहा है, रोता है तो लगता है सो रहा है, मुंह खोलता है तो लगता है कचरे का डब्बा, दांत देखो कचरा उठाने वाला फावड़ा, और गाल सड़े हुए टमाटर। भिंजी मेरी बात सुन, एक से एक हसीन लड़कियाँ आज भी मुझ पे मरती हैं, मेरे गाल पे हाथ लगाने के लिए तरसती है समझी। अच्छा तो जहाँ तू पहले नौकरी करता था उस घर की मालकिन ने तेरे गाल पे थप्पड़ मारकर तुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया था? अरे वो तो प्यार से मारा था। अच्छा तो मैं भी मारूं? क्या थप्पड़? अरे ये तो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया, ये तो मुझे लफड़े वाला लगता है, अब क्या होगा? अब क्यों? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? मेरी भांजी रजनी। क्या हुआ? 10-12 दिनों से ना जाने पता नहीं कहाँ चली गई, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मुझे लगता है उसका अपहरण हो गया है, प्लीज ढूंढिए ना प्लीज। आप देखिए घबराइए ना, घबराइए ना, आप धीरे से सामने आइए, आइए पहले बैठिए, बैठिए आप घबराइए मत, मैं हूँ ना, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। तुम इनके लिए एक गिलास पानी लेके आना और ड्राइवर से कहो कि मेरी गाड़ी ओके सर। ओके हाँ तो क्या हुआ उसे? क्या नाम बताया आपने अपनी भांजी का? जी मेरी भांजी का नाम रजनी है। रजनी जी हाँ। कुमारी थी या शादीशुदा? जी वो कुमारी है। उनका किसी के साथ कोई संबंध? आई मीन अफेयर? नहीं सर बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा? उसका आज तक किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं हुआ। रह गई मैं।
तुम ब्याज तो देते हो नहीं हो और ऊपर से पैसे मांगते हो। देखो यार, मैं जब भी फिल्म वालों को पैसे देता हूं, या तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है या तो मैं फ्लॉप हो जाता हूं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। कौन आ गया? ओहो, क्या बात है जूली डार्लिंग, आ जाओ। जरा दरवाजा बंद कर दू। कैसी हो डार्लिंग? फाइन डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, लेकिन क्या है, थोड़ा सा मैं ठीक हूँ। लंदन में तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। चलो झूठे, लंदन में तुम एक से एक लड़कियों के साथ घूमते होंगे। अरे तुम घुमाने की बात कर रही हो डार्लिंग, इंडियन ब्यूटी की तो बात ही कुछ और है। ओह नो, तुम्हें तो जरा भी इंतजार नहीं है। अरे इंतजार, कमाल कौन आ गया इस वक्त? कम करो, उठो 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 जल्दी, यहाँ से अंदर जाओ, छुप जाओ अंदर, चलो। कौन आया कमखत? कोई भी नहीं। कौन है? अरे भाई कौन है? जूली डार्लिंग बाहर आ जाओ, कम ऑन। आ रही हूँ डार्लिंग। जूली कम ऑन, जूली डार्लिंग कम ऑन, बाहर आ जाओ, आ जाओ। आप कौन? मैं रजनी हूँ। रजनी? कौन रजनी? यहाँ कैसे आई? देखो गौर से देखो, तुम सब ने मुझे मार डाला था, मैं वही रजनी हूँ। मार डाला था? तुम मर गई? मर गई तो यहाँ कैसे आ गई? मैं आई हूँ अपनी मौत का बदला लेने के लिए। मुझे मत मारो, देखो मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, उन तीनों ने मारा था।
अरे मुझे मत मारो, मैं तुम्हें फाइनेंस भी कर दूंगा, ब्याज भी नहीं लूंगा। अरे नहीं लूंगा भाई, अरे नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भाई, मत मारो। नीचे क्या हो गया भाई? पीके वो। क्या हुआ, इतना घबराया क्यों है? तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पति लगा हुआ है क्या? अरे नहीं यार, वो रजनी आ रही है। रजनी? रजनी कौन? रजनी? अरे जिसका कुछ दिन पहले हम लोगों ने कत्ल कर दिया था। अरे अरे पागल हो गया तू, रजनी कैसे आ सकती है? अरे पीके आ नहीं सकती, आ गई है हम लोग उसे बदला लेने के लिए। अरे यार तू नशे में है, जा नशा उतार जा। अरे राणा, राणा नशा तो उसने मेरा उतार दिया यार, उसने एक थप्पड़ मारा मेरे गाल पे, उसने मेरी जान लेना चाहती थी, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ यार। अच्छा अब तुम यहाँ से बच के चले जाओ, वरना हम तीनों मिलकर तुम्हारी जान निकालेंगे। अरे पीके तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं करते यार? अच्छा हम तुम्हारा यकीन कर ले, तुम्हारे पीछे पीछे रजनी आ रही थी, वो तुम्हें जान से मारना चाहती थी, उसने तुम्हें एक चाटा भी मारा था, तो अब हमारा भी चाटा खा ले। हंसो, अरे जब तुम लोगों के सामने आएगी ना तो तुम्हारी भी लग जाएगी। अच्छा पीके अब क्या हुआ? एक फोन कर लो। कर ले, लेकिन एक रुपया लगेगा। एक रुपया लगेगा? अच्छा जो तुम लोगों ने मेरे से ब्याज पे पैसे लिए थे ना, जब ब्याज दोगे तो एक रुपया काट लेना। कर ले कर ले। हेलो विजय, जरा मेरी रजनी से बात करवा दो प्लीज। रजनी? कौन रजनी? मेरा मतलब है तुम्हारे जो बड़े भैया ना पुलिस इंस्पेक्टर संजय कुमार, उनसे बात करवा दो मेरी। अरे समीर अंकल, भैया तो अभी पुलिस स्टेशन में है, आप ऐसा कीजिए पुलिस स्टेशन में फोन कर लीजिए ना। पुलिस स्टेशन में फोन कर लो? अरे यार तुम मुझे पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए क्यों बोलते हो? पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ना मुझे मेरी पुरानी रातें याद आती हैं जो मैंने पुलिस स्टेशन में गुजारी थी। एक काम करो, तुम्हारे भैया आ जाए ना तो उनसे कहना कि रजनी को फोन कर ले, मेरा मतलब है मुझे फोन कर ले, समीर बाली को। हाँ ओके ओके, बाय अंकल। बाय। हेलो विजय, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी रंजना। विजय तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। अच्छा यार जो भी लड़ाई झगड़ा करना वो मिलने के बाद कर लेना। तुम पहले मुझसे मिलो तो सही, तुम अपने आप को क्या हीरो समझते हो, आमिर खान समझते हो अपने आप को? मिलो तो सही मुझसे, मैंने अगर तुम्हें जॉनी लीवर ना बना दिया तो मेरा भी नाम रंजना नहीं। अच्छा मिलना कहाँ है? वही जहाँ हमेशा मिलते हैं। ओके मैं अभी पहुँचता हूँ। ओके बाय। हाय रजना जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गंगू, हाउ आर यू? फाइन फाइन। तुम अकेले आए? हाँ। दीपक कहाँ है? वो क्या है ना, दीपक भैया की आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। क्यों? वो ये फूल आपके लिए। ये फूल दीपक भैया ने भेजे हैं? भैया आपके दीपक भैया ने फूल भेजा है। दीपक भैया पता है क्यों कहना? ठीक है हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है। ओके हाय। तुम इसके सैया बनना चाहते हो और वो तुम्हें भैया, लगता है इसका किसी और के साथ चक्कर है। हाँ मिस्टर विजय, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया आप आ गए, वो समीर अंकल का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आप रजनी को फोन कर लीजिए। रजनी? कौन रजनी? रजनी नहीं, समीर अंकल को फोन कर लीजिए। समीर को फोन कर लो? ठीक है समीर को फोन कर लूंगा, पर ये रजनी है कौन? रजनी? रजनी? रजनी को तो मैं जानता नहीं हूँ। तू नहीं जानता? नहीं तू रजनी को नहीं जानता? हाँ रजनी, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ रजनी को। ए नौटंकी, फिर नौटंकी। देख विजय, तुम्हारे भाई होने के अलावा मैं इंस्पेक्टर भी हूँ, अगर तुमने शराफत से मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें हवालात में भी बंद कर सकता हूँ।
क्या क्या वो क्लोज माय विजय इन पुलिस स्टेशन ये क्या बोल रही है यार वो क्लोज माय विजय इन पुलिस स्टेशन अरे तुम्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आती तो हिंदी में बोला करो फुट ऑफ आई एम नॉट इंग्लिश फुट ऑफ भाभी कह रहे कि कौन कहता कि भाभी को इंग्लिश नहीं आता इन पुलिस स्टेशन आप मुझे पुलिस स्टेशन में बंद कैसे करेंगे और आपकी हिम्मत कैसे हुई विजय ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाभी कह रही है देखो देखो ये तुम्हारे देवर के रंग ढंग ठीक नहीं आजकल ये किसी रजनी नाम की लड़की के बारे में भी बात कर रहा था अरे भाभी मैं तो किसी लड़की वड़की को जानता नहीं हूँ और मैं किसी लड़की वड़की के बारे में बात भी नहीं करता क्यों क्यों नहीं देखा देवर जी देखना चाहिए था तुम्हें अरे भाभी लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ी लड़की को देखने की अरे तुम्हें जरूरत नहीं लेकिन मुझे तो है अरे भाभी अब भैया को किसी लड़की को देखने की जरूरत पड़ी है अब आपका क्या होगा ए, क्या ए, आग लगा रहा तू क्या आग लगा रहा क्या सुबह सुबह किसी माधुरी दीक्षित नाम की लड़की का फोन आया था और किसी रवीना टंडन की भी बात कर रहे थे भाभी ये मुझे पुलिस स्टेशन जाना है क्या देख बस बस एक मिनट मैं गया और अभी 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 सुनो 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 अरे सुनो ना ए राणा वो देख अरे कैसे पटर पटर इंग्लिश बोल रही है मैंने सिखाई है तूने सिखाई है अरे हाँ मैंने सिखाई है अरे जा जा तूने सिखाई है मेरा यकीन करना अरे बाबा जा ना क्यों बकवास कर रहा है जा अरे वाह अरे लेकिन तूने नहीं सिखाई यार अब रहने दे अरे जा नहीं सिखाई है अरे मैं नहीं अरे दूंगी एक थप्पड़ मार मत ना मैंने सिखाई है अरे मैंने ये बहुत अच्छी बोल रही है अरे चक्कर वक्कर मेरा तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं है झूठ मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है अब मैं जा रही हूँ मुझे रोकने की कोशिश मत करना ओके मुझे कभी फोन भी मत करना ओके और मुझे किसी के हाथों मैसेज भी मत भिजवाना ओके नहीं भिजवाऊंगा क्या हर बात में ओके ओके लगा रखी है मैं रूठ जाऊंगी तो तुम मुझे मनाओगे भी नहीं मनाऊंगा ना बाबा यू देखा चांदी सा तेरा बदन दिल में लग गई मेरे प्यार की अगन है जब से देखा चांदी सा तेरा बदन दिल में लग गई मेरे प्यार की अगन तू भी हंसी मैं भी जवा कर ले आ प्यार कर दूंगा सब कुछ मैं तुझ पे निसार जारी जा तू मस्का मुझको ना लगा तू पटा जा रे जा तू मस्का मुझको ना लगा और किसी लड़की को जाके तू पटा मुझसे न ले पंगा तू सुन मेरी बात नहीं आने वाली हूँ मैं तेरे हाथ जब से देखा चांदी सा तेरा बदन नहीं जो सब होते हैं मुख में दिल को लुटा के रोते हैं हाँ दीवाना मैं वो नहीं जो सब होते हैं
मुफ्त में दिल को लुटा के रोते हैं। दिल के बदले में तेरा दिल लूंगा मैं, तू मेरी माशूक है सबको कह दूंगा मैं। हाँ वादा रहा हासिल करूंगा तुझे, हर मोड़ पे मैं मिलूंगा तुझे। जब से देखा चांदी सा तेरा बदन, तुझे जो करना है देख ले करके, मैं भी कुछ कम नहीं सुन ले है लड़के। जम सकती है जोड़ी अपनी सनम, कोई किसी से ज्यादा न कम। जब से देखा चांदी सा तेरा बदन, दिल में लग गई मेरे प्यार की अगन। जब से देखा चांदी सा तेरा बदन, हाय दिल में लग गई मेरे प्यार की अगन। हाँ तू भी हंसी मैं भी जवा कर ले आ प्यार, कर दूंगा सब कुछ मैं तुझ पे निसार। जब से देखा चांदी सा तेरा बदन, हाय जब से देखा चांदी सा तेरा बदन, हाय जब से देखा चांदी सा तेरा बदन। अबे गंगू क्या बे? तू सच कह रहा था बे? क्या कह रहा था बे? एक ही दाल में कुछ काला है बे। अबे दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। अबे रंजना उस लड़के के साथ क्या कर रही है? क्यों क्यों, ये हीरो है और मैं विलेन। विलेन? मुझे विलेन कहता है, मुझे विलेन कहता है। अबे साला खाता मेरे साथ है, पीता मेरे साथ है। हीरो उसको बोलता है, मुझे विलन बोलता है। अरे जिसके साथ हीरोइन होती है वो हीरो होता है, तेरे साथ हीरोइन नहीं है तो तू विलन है। मैं विलन हूँ? हाँ विलन हूँ। तू चल मेरे साथ। कहाँ? आज मैं दिखाता हूँ कौन हीरो कौन विलन। एक काम करो तुम ही जाओ, मैं दूर से ही तुम्हारी मेरा मतलब है तुम्हारी ताकत देखता हूँ। अच्छा देख अब तू मेरी ताकत, दिखाता हूँ तेरे को। मुझसे कह रहा था साथ चलने के लिए, आप लोग तो जानते हो जो विलन के साथ जाता है वो कितना मार खाता है। अब देखना कुत्ते की तरह मार खा कर आएगा। रंजना कौन है लड़का? जब कोई लड़की किसी लड़के के हाथ में हाथ डालकर घूमे तो समझ जाना चाहिए कि लड़का लड़की का क्या लगता है। अच्छा कोई रिश्ता है तुम्हारा इससे? मगर इसके हाथ में हाथ डालने से पहले ये तो सोच लिया होता ये तुम्हारी रक्षा कर सकेगा या नहीं। राख का ढेर देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसमें आग है या नहीं। मुझे छेड़ो मत वरना चल जाओगे। अच्छा बच्चू तू अभी मुझे जानता नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दूँ। हाथ तो लगा कर देख, तेरे हाथों को भीख मांगने लायक ना बना दूँ तो मेरा नाम विजय नहीं। Hop! 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 Hop!
विजय तो मारा होता अरे कहाँ का मारा कुछ छोड़ा या सब कुछ छोड़ा पेट दुख रहा है अब मैं क्या बताऊँ एम्बुलेंस को या चाचा आदमियों को तेरी अर्जी उठाने के लिए जो मर्जी इसको बुला ले मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुझे दवा की जरूरत है या दुआ की मैं काम करता हूँ दुआ देकर तुझे भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ वैसे भी दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं बाय अबे कहाँ जा रहा तू मंदिर मंदिर तेरे लिए दुआ करने अबे सुन तो अरे जान दो अरे आजा अबे तू भी एक लात मार गया अबे कमीने ने बहुत मारा अबे बहुत दुख रहा है रे अब कौन आ गया मारने अरे क्या हुआ मेरे राजा अरे तेरे राजा का उस लंबू ने बजा दिया बाजा देखा ना मैं तो पहले ही कहती थी कि मत करो रंजना का बीचा मगर तुम हो के मानते ही नहीं आए मैं तो मानने को तैयार हूँ मगर दिल है के मानता नहीं जब भी मैं इसको मनाने की कोशिश करता हूँ रंजना को देख के बोलता है हम आपके दिल में रहते हैं मगर रंजना के दिल में तो विजय रहता है तुम नहीं और हमारा दिल तो बिल्कुल खाली है अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो बिना किराए के मगर हम तो रंजना को दिल दे चुके सनम तो वापस ले लो जानम और उसे वापस लेकर हमें दे दो हम उसे हमेशा संभाल कर रखेंगे अरे पहले मुझे तो संभाल ले हॉस्पिटल मत ले चलना अपने गले तो लगा ले आए, आ, 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 आए, हम तुम्हें प्यार करते और तुमने हम पे ऐसी नियत डाली अरे सुन तो तू भी चली गई विजय साहब हाँ बोलिए भैया भाई साहब जरा इधर आइए जी भाई सुबह तो तू मुझे बेवकूफ बना के चला गया था लेकिन अभी नहीं भाग पाएगा अरे भैया मैं क्यों भागूंगा मैं ईमानदार ऑफिसर का शरीफ भाई हूँ बेहद शरीफ भाई मैं इंस्पेक्टर हूँ और शरीफ हूँ ये बात तो सही है लेकिन तू शरीफ है ये बात गले नहीं उतरी यार क्यों भैया क्यों बस ये बता दे कि ये रजनी कौन है रजनी मैं किसी रजनी को नहीं जानता भैया वो समीर अंकल का फोन आया था उन्होंने मुझसे रजनी के बारे में पूछा था समीर अंकल का फोन आया था हाँ वो रजनी के बारे में पूछ रहे हाँ अरे क्यों बुढ़ापे में वो शरीफ आदमी को बदनाम कर रहा है यार है? अरे भैया आपको यकीन नहीं है तो आप समीर अंकल को फोन करके पूछ लीजिए ना जनाब मैंने सवेरे उनको फोन किया था वो मुझे घर पे नहीं मिले है? क्यों मुझे बेवकूफ बनाता है अरे वो कहाँ तेरी मालकिन भगवंती सवेरे से दिखाई नहीं दे रही है सर वो अरे तू ऐसे कांप क्यों रही है अरे भगवंती ये क्या आप माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी के चक्कर में थे ना इसलिए मैं उनकी तरह मॉडल बन गई अरे रे भगवंती मैं तो सही है भाभी आप बिल्कुल सही जा रही है भैया को ऐसी लड़कियां पसंद है अबे अबे चुप 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 ए भगवती तू कभी इंग्लिश बन जाती है कभी अरे भाभी आप टाइम खोटा मत कीजिए भैया को जल्दी से किसी डिस्को या गार्डन में ले जा करके गाना तो गा डालिए गाना अरे बाप रे बाप गाना मुझे नहीं आता अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो मैं बताऊं क्या पूजा बत्रा साहब आपने कितने गाने गाए हैं कौन पूजा बत्रा कोई कोई पूजा बत्रा नहीं कोई पूजा बत्रा नहीं कोई पूजा बत्रा वरना ऐसी आग लगाऊंगा कि चारों तरफ से धुआं निकलेगा तेरा धुआं तो मैं निकालूंगा डार्लिंग चल तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या हंस रही है चल जाके अपना काम कर और सुन कोई आए या किसी का फोन आया तो कह देना कि साहब शाहरुख खान के साथ डिनर पर गए समझी सब लफड़े पे लफड़ा है माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई अगर मुझे मालूम होता ये बिल्ली रास्ता काट जाएगी क्या मेरा मतलब है कि मेरी परछाई बीच में आ जाएगी तो मैं कभी बीच में नहीं आता सब समझती हूँ मैं आवारा कुत्ते की बिगड़ी वाला ये सब सामान उठा यहाँ से नहीं तो मैं तुझे कचरे के डिब्बे की तरह उठाकर बाहर फेंक दूंगी समझे उठाता हूँ बड़ी गलत है आए, 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 अरे मेरी बिल्ली अगर तू इसे पहनेगी तो बिल्कुल ममता फूल करने लगेगी लेकिन ये ड्रेस तो मेरी नहीं है अरे कैसे नहीं है ये तो तेरी है सिर्फ तेरी अगर तू इसे पहन कर निकलेगी
तो आगे से ममता कुलकर्णी हाय 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 और पीछे से रानी मुखर्जी तू दिखने में तो श्रीदेवी लगती है बिल्कुल श्रीदेवी लेकिन क्या हुआ अगर ये ड्रेस तेरी नहीं है तो कोई बात नहीं मैं तुझे नई ड्रेस सिलवा दूंगा मेरी जान सच में दिलवाओगे कोई खाने के पैसे नहीं है अब मेरे घर में काम है अभी आता हूँ भूल गया था तुम्हारी ड्रेस पड़ी सॉरी लेकिन ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी ऐसा क्या मैं ड्रेस पहनूंगी मैं पहनूंगी अरे हाय क्या लग रही है इस ड्रेस में मेरी दिल्ली अरे मेरी ममता कुलकर्णी अरे मेरी रानी मुखर्जी अरे श्रीदेवी हाँ हाँ मैं खोल देता हूँ मैं खोल देता हूँ हाय खुल गया हाँ खुल गया हाँ हाँ जन्म मौसम शिकना है हा जानम आ जाओ मेरा दिल बस तेरा ही दीवाना है आ जाओ मेरा दिल बस तेरा ही दीवाना है जानम मौसम शिकना है हा जानम को सनम ये जा भी है तेरे नाम चाहत में तेरी पागल हुई मैं दुनिया से मुझको क्या काम दिल दे दिया है तुझको सनम ये जा भी है तेरे नाम तेरे साथ प्यार निभाना है हाँ निभाना है हाँ निभाना है जानम मौसम शिकना है हाँ जानम तू मेरी तू ही है मेरी धड़कन तेरे बिना मैं रह ना सकूंगी एक पल भी है सजन तेरे ही दिल में मेरा आशियाना है मेरा आशियाना है मेरा आशियाना है जानम मौसम शिकाना है जानम आ जाओ मेरा दिल
बस तेरा ही दीवाना है। अरे भाई मेरा मूल मत दो चलेगा, लेकिन कम से कम मेरा ब्याज तो दे दो है? अरे ब्याज के ऊपर मैं राशन खाता हूँ, ये सब पीता हूँ, वो सब करता हूँ, समझे? कब दे रहा हूँ? अरे बाप, अरे बाप रे, लगता भूतनी आ गई। भूतनी कैसे आएगी? और भूतनी आएगी तो बेल मार के थोड़ी आएगी। लगता है यास्मीन है जिसको मैंने बुलाया था। यास्मीन, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। कमीन, मेरी जान यास्मीन, आ जाओ। दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है? किसने खोला? आपने ही तो खोला। मैंने खोला? मैं भी कितना पागल हूँ, कमाल है। दरवाजा बंद कर। लो दरवाजा बंद कर दिया। हम तुम एक कमरे में बंद हो और क्या भी खो जाए, चाबी खो जाएगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा, लफड़ा हो जाएगा। मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ बैठ जाओ। आहा, बहुत ब्याज कमाया। आए हाय हाय, नहीं इसको यहीं रहने दो। आओ जी, तुम यहाँ, लेकिन तुम तो मर गए थी, मर गई थी। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। मगर तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। मैंने बुलाया था? अरे मैंने क्या बुलाया था तुमको? तुम जाओ ना, तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैं जाती हूँ। जाओ, मैं तो पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम लिया तो चलेगी? हाँ पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। अरे बाप रे, जल्दी से पुलिस को फोन कर लेता हूँ। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर संजय से बात कर सकता हूँ? ओह यस, इंस्पेक्टर संजय स्पीकिंग। मैं समीर का भूत बोल रहा हूँ। समीर का भूत? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं समीर बोल रहा हूँ। कहिए समीर साहब, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, भला अच्छे हाल में कोई पुलिस वालों को याद करता क्या? मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, एक भूतनी आई थी मुझे मारने के लिए, मैंने उसको पुलिस की धमकी दी ना तो भाग गई। भूतनी आई थी मारने, भाग गई? ये आप क्या बात कर रहे हैं समीर साहब? अरे संजय साहब, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वरना कुछ सेकंड के बाद मैं बात करने के लायक नहीं रहूंगा। मुझे लगता है भूतनी अपने साथियों को लेने गई है। संजय साहब आप आ जाइए ना, मेरी जान बचा लीजिए प्लीज। ओफो समीर साहब, मुझे तो आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। संजय साहब आप यहाँ आएंगे ना तो आपके समझ में सब आ जाएगा। अगर आप आने के मूड में नहीं है तो वो भी मुझे बता दीजिए, मेरी पहुंचे ना दिल्ली तक है। हाँ मैं यहाँ पर ऊपर से दबाव डलवा दूंगा, फिर आपको आना पड़ेगा मेरी सिक्योरिटी के लिए। नहीं समीर साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूं। और एक बात आप भी सुन लीजिए, अगर आपने मेरे साथ मजाक किया है तो कानून के साथ मजाक करने के जुर्म में आपको सजा भी हो सकती है, फिर आपको कोई भी दिल्ली वाला बचा नहीं सकता। ठीक है ठीक है, आप आ जाइए। कमाल का इंस्पेक्टर है, दिल्ली वालों से भी नहीं डरता है, कोई बात नहीं। बेटा दीपक। हाँ डैडी। तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि तुम पीके की बेटी से प्यार करते हो। ओ डैडी वो क्या, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, तुमने मुझसे एक बार कहा होता तो पीके ना नहीं करता। डैडी वो पीके अंकल आशीर्वाद तो देंगे ना। अरे उसकी चिंता मत करो, पीके की ऐसी नब्ज मेरे हाथ में है कि वो कभी ना नहीं कर सकता। ठीक है बात कीजिए। इसके लिए मुझे समीर का साथ लेना होगा और मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तुम जाकर आराम करो, मैं रात में आकर बात करता हूँ। हाँ ठीक है डैडी, ठीक है, बाय डैडी। तो निकल पड़ी, चल बियर पिला। अरे चुप रहे ना। अरे कम, अरे क्या करूं, दारू पी लेता हूँ थोड़ी।
कमबख्त दारू भी नहीं गिरती। अरे बाप रे, आ गई। देखो अगर तुम भूतनी हो तो मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई लड़की है तो अंदर आ जाओ। कमीन, आ जाओ। सर क्या कर रही है? राजपाल तू, इंस्पेक्टर साहब। हेलो, तू पहले एक बात बता, तूने इंस्पेक्टर साहब को तकलीफ क्यों दी? ये मुझे रास्ते में मिले, मुझसे कह रहे थे कि तुझे कोई भूतनी मारने चली आई थी, इसलिए मैं इनके साथ चलाया। क्या बात? राजपाल, राजपाल तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता। तेरी बात मेरी समझ में कुछ नहीं आती? जब तेरे सामने आएगी ना तो सब समझ में आएगा तुम्हारे। रहने दे, रहने दे, क्या बकवास कर रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब आप ही संभालिए इसे, इसके साथ रहूंगा तो खामखा मेरा वक्त खराब होगा। यूजलेस। ठीक है ठीक है, आइए इंस्पेक्टर साहब। अब जाना तू? जा रहा हूं ना, आइए काम कर। चलिए एकदम पागल हो रजनी का भूत। समीर, समीर दरवाजा खोल, समीर, समीर दरवाजा खोल, समीर। इंस्पेक्टर साहब कमाल हो गया, मैंने रजनी को अपनी गाड़ी में देखा है। क्या हो गया? रजनी कार में, इंस्पेक्टर साहब मैंने बोला था ना, वो हम लोगों का पीछा कर रही है, मार डालेगी। देखिए आप शांत रहिए, चलिए आप मेरे साथ, पहले आप चलिए। कहाँ है? किधर है? यही तो थी। किधर है? यही थी। इंस्पेक्टर साहब वो भूत नहीं है, गायब हो गई, गायब हो गई। राजपाल साहब आपने उस लड़की को देखा है? अब इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इसकी बातों की वजह से। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओके ओके इंस्पेक्टर साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग का पीछा कर रही है, मार डालेगी। अरे देखिए चुप कर यार, इसकी बातों ने मुझे घुमा दिया इंस्पेक्टर साहब। सॉरी सॉरी, ठीक okay, really okay, है मैं चलता हूँ। राजपाल तुम जाओ, इंस्पेक्टर साहब आप जाइएगा, आप साथ रहिए। देखिए आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये ऐसे ही बकवास करते हैं। समीर साहब, देखिए समीर साहब ये सब आपका बहम है। ओके मैं हूं ना यहाँ। अरे इसको अंदर ले जाइए, ले जाकर शराब पिलाइए। बस बेवकूफ कहीं का। मौत का बदला लेने आई हूँ। अपनी मौत का बदला? हाँ, भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कुदरत ने आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम इंसान को मार सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा? हाँ। तुम आत्मा हो? आत्मा? हाँ। रजनी, रजनी मुझे माफ कर दो, रजनी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। रजनी आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो रजनी, मुझे कुछ नहीं किया। याद कर वो दिन कभी, मुझे माफ कर दो रजनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रजनी, मैंने कुछ नहीं किया। याद कर वो दिन, मुझे माफ कर दो, मुझे और मेरे पति को मारा। Ah!
व्हाट? मैं अभी पूछता हूं। ओके हाँ डैडी, खबरदार एम्बुलेंस वाले को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर, चलो। देखा तुम लोगों ने, आखिर रजनी ने राजपाल की बोलती कर दी ना बंद। आखिर मैं बोलता था, मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता था। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती थी, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। अब उड़ाओ मजाक, क्यों हो गई ना बोलती बंद? ए, अपनी जुबान बंद कर, नहीं तो तेरी बोलती बंद कर दूंगा मैं। अरे क्यों बंद करूं मैं अपनी जुबान? सच्चाई तुम्हें कड़वी लगती है तो लगे ना, मैं क्या करूं? मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूं, उसने हमारे एक साथी को मार डाला, अब हम सबकी बारी है। ओ समीर, हमने उस लड़की और उसके पति को मार दिया, वो कैसे मार सकती है राजपाल को? हाँ। मार सकती है भाई, भूत बनकर तो मार सकती है। ओ, शट अप, जस्ट शट अप समीर, मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता हूँ। राजपाल भी नहीं करता था, आखिर मारा गया। उसने संजय को भी बोला था, लेकिन संजय को भी विश्वास नहीं हुआ इस बात का। क्या राजपाल ने इंस्पेक्टर संजय को बोला था? हाँ। उसने एक लड़की देखी है? हाँ पीके, हाँ। इंस्पेक्टर संजय को फोन लगाओ। हेलो, हाँ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन से, मैं इंस्पेक्टर संजय बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। हाँ संजय, मैं पीके बोल रहा हूँ। हाँ पीके साहब, आई एम सॉरी पीके साहब, मुझे आपके पार्टनर के मरने का सख्त अफसोस है। ओहो ऑफिसर, हमारा पार्टनर मरा नहीं है बल्कि उसका कत्ल हुआ है, और कातिल खुलेआम घूम रहा है। पीके साहब आप बेफिक्र रहिए, बहुत जल्द राजपाल साहब का कातिल सलाखों के पीछे होगा। देखो ऑफिसर, इस किस्म की बातें अखबार वालों से या आम जनता से कहो, न मैं अखबार वाला हूँ न मैं आम जनता हूँ, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल पकड़ा जाना चाहिए, वरना मैं पुलिस स्टेशन की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आपका ट्रांसफर ऐसी जगह करा दूंगा जहाँ पे इंसान कम और जानवर ज्यादा रहते हैं। नहीं पीके साहब, इस तरह की धमकी आप अपने घर के नौकरों को दिया कीजिए, हम जैसे सरकारी नौकरों को नहीं, वरना एक इंस्पेक्टर को धमकाने और कानून की बेइज्जती करने के जुर्म में मैं आपको ऐसी जगह बंद कर दूंगा जहां आदमी कम मच्छर ज्यादा रहते हैं। आई एम सॉरी ऑफिसर, आई एम वेरी सॉरी, हमारा पार्टनर मर गया, आप जानते हैं हमारी दिमागी हालत कैसी होगी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम राजपाल के कातिल को जल्द से जल्द खोज निकालें। थैंक यू, वेलकम सर। क्या रंजना, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम सॉरी विजय, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ विजय, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पिताजी को सब मालूम पड़ चुका है और उन्होंने मेरी शादी भी पक्की कर दी है। रंजना तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। क्यों विजय साहब डर गए? मैं तो मजाक कर रही थी। सच सच रंजना, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। क्यों ना करूं? तुम मेरे होने वाले पति जो हो। पति? हाँ पति। विजय, मैंने अपने पिताजी से अपनी शादी की बात कर ली है, और वो तुम्हारे भैया को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि अपने दूल्हे से कहो कि जल्दी से वो अपने भैया को लेकर हमारे घर आ जाए। भैया को लेकर? लेकिन भैया से बात मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों, जब मैं लड़की होकर अपनी शादी की बात अपने पिताजी से कर सकती हूँ, तो तुम लड़के होकर अपनी शादी की बात अपने भैया से क्यों नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। आज देखो, घर में जाके मैं भैया के पास क्या क्या नौटंकी करता हूँ। अरे भैया,
आपने मरते समय माता पिता को क्या वचन दिया था? क्या वचन दिया था? क्या भूल गए क्या? आपने ये वचन दिया था कि आप मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं होने देंगे। दिया तो सही था और मैंने उसे निभाने की भी कोशिश की है। अगर अनजाने में कोई कमी रहेगी तो? अनजाने में? अनजाने में बहुत बड़ी कमी रह गई है। आपने अपनी शादी तो बचपन में कर ली है और मेरी शादी? मेरी तो शादी नहीं करें आप। अगर आप कोई लड़की नहीं ढूंढ सकते हैं तो बोलिए, मैं ढूंढ लेता हूं अपने लिए लड़की। ढूंढ लेगा कि ढूंढ ली है? ढूंढ ली। अच्छा, क्या नाम है उसका? रंजना। और उसके पिता का नाम क्या है? पीके साहब की बेटी है भैया। पीके साहब? वो अपने पीके साहब? हाँ वो ही पीके साहब। आज शाम को हमको जाना उनके पास शादी की बात करने। नहीं जाओ तो भैया। एक मैं दे रहा हूँ पैसे तक, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले। मेरी रसगुल्ला, मेरी गुलाब जामुन। दीपक, ये क्या कर रहा है तू? अरे क्या कर रहा हूँ यार? रंजन ने मेरे प्यार को फुटबॉल की तरह किक मार दी तो मैं अपने प्यार की प्यास बुझा रहा हूँ। अबे ऐसी बाजारू लड़के से अपनी प्यास बुझाएगा तो तेरी जिंदगी का दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएगा। क्या ये कोई हवा है जो दीपक बुझ जाएगा? अबे ऐसी बाजारू औरतों को अजीब अजीब सी बीमारियां होती हैं। इनके साथ सेक्स करेगा तो बिना पासपोर्ट के नरक पहुंच जाएगा। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्या करूं? तू कसम खा ऐसी लड़कियों के साथ कभी सेक्स नहीं करेगा। मैं कसम खाता हूँ, तेरे बाप की कसम खाता हूँ, इसके साथ नहीं करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। मगर रंजना, वो सब मुझ पर छोड़ दे, उसका इंतजाम तो मैं। नमस्ते अंकल। अरे नौकर। कमाल है। अरे दीपक आओ भाई। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भाई? ठीक हूँ अंकल, मगर बहुत दुखी हूँ। क्यों? जब से डैडी गए ना तब से इतने बड़े घर में दिल नहीं लगता। लेकिन गंगू तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा नौकर है और सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अंकल इसे आपका साथ नहीं चाहिए, इसे तो आपकी बेटी है। ठीक है साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो संजय, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हाँ जी, ये मेरी पत्नी। हेलो। और ये मेरा छोटा भाई विजय। विजय इसका मतलब है कि यही है हमारे होने वाले दामाद जी। भाई हमारी बेटी तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करती रहती है, हमें तो जलन होने लगी तुमसे। चलिए आइए अंदर चलते हैं। जी ये साहब, ये दीपक है, मेरे दोस्त राजपाल का बेटा। बचपन में इसी घर से पला बड़ा है और मेरी बेटी को अपनी बहन मानता है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू माय सन। आइए आइए आइए, बैठकर बातें करते हैं। अबे गंगू बोल दीपक, मैं तो इधर आया था अपनी और रंजना की शादी की बात करने, उसने मुझे भाई बना लिया। अब मैं क्या करूं? एक काम कर, आत्महत्या कर ले, कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं आता हूं। अबे तू कहां जा रहा है? मिठाई खाने। अबे तू मुझे छोड़कर? तू तो जानता है मैं पैदाइशी दल बदलू नेता की औलाद हूँ। ओके बाय। अबे आ जाना। तो सर जी मुबारक हो, मुबारक हो। ये लीजिए सर जी। अरे भाई अपने हाथों से सबको मिठाई खिलवाओ। बस हो गया। अच्छा विजय बाबू ये बताइए कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन या तो ये चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं। क्यों भाई, जब ये इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इन्हें डॉक्टर बनने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? पीके साहब बात ऐसी है कि पहले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, सोचा कि ये डॉक्टर बन जाए। अब इसकी मर्जी, वैसे इसकी खुशी में ही मेरी खुशी। गुड, एक मिनट। हाँ जी। हेलो, क्या? अरे क्या पागलपन है तुम्हारा, बकवास मत करो। पीके साहब किसका फोन था? समीर का फोन था। समीर का? क्या कह रहा था? शहर छोड़कर जा रहा है। शहर छोड़ के जा रहा है, मगर क्यों? पागल है, बेवकूफ पागल है। अरे भाई हमें भी तो मिठाई खिलाओ। हाँ सर लीजिए ना। लीजिए। हाँ।
चला जाऊंगा, ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, ये देश छोड़कर चला जाऊंगा, दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगा, छोड़कर चला गया दुनिया तो मैं तो मर जाऊंगा। कौन आ गया? कोई नहीं आया। दरवाजा क्यों बंद है? बंद है ना? अपनी मौत से बचकर कहां जाओगे? अरे तुम फिर आ गई। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुमको पिछली बार बोला भूल गया था, मुझे बहुत बुरी बीमारी है, मैं तो खुद ही मरने वाला हूँ। अगर तुमको मारना ना रजनी तो तुम पी के और राणा को मारो। उन लोगों ने तुमको मारा था, मैं तो खाली साइड में खड़ा था। रजनी वैसे भी तुमको मुझे ही मारना ना, तो मुझे फोन करते ना पी के और राणा को मारने के बाद, मैं खुद ही मरने चला आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन 4 महीने के बाद। अपने फिर मारा तारा सिंह का चाटा। देखो रजनी तुम मेरे सारी दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं सब दे दूंगा तुमको। मुझे दौलत नहीं बदला चाहिए, अपनी और अपने पति की मौत का। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे रजनी, छोड़ दे मुझे, हाथ जोड़ दो। नहीं आता ये क्या हो रहा है। पीके हमारे दो साथी मारे गए और उन दोनों के मरने से पहले रजनी वहां दिखाई दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं पीके कि जिस रजनी को हमने अपने हाथों से मारा था वो बदला लेने के लिए आज भूत बनकर हमें मारने आई हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, भूत प्रेत, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। ओहो पीके, मैं भी यकीन नहीं करता था, मगर हमारे दो साथियों के मरने के बाद मुझे यकीन होने लगा है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यह चाहता हूं पीके, उस भूतनी ने हमारे दोनों साथियों को मार दिया, अब हमें वो जरूर मारेगी। हमारी मौत के पहले हमें अपना बचाव कर लेना चाहिए। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, हम दोनों उसके पास चलते हैं। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है और तुम जवानी में ही सठिया गए हो। पीके समीर का भी हम इसी तरह मजाक उड़ाया करते थे कि नहीं? समीर शराब पी पी कर मरा है। और राजपाल? राजपाल की किसी ने गला दबाकर हत्या कर दी होगी। ये दोनों हाथ से है राणा, हाथ से। ठीक है, मैं आखिरी बार कहता हूं, मेरी बात मान लो, बाद में हमारी मौत को भी लोग हादसा ही कहेंगे। बस देखो तांत्रिक के पास अगर हम लोग गए भी तो लोग हमें देखकर हंसेंगे। ठीक है, मैं बस 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 तुम्हें तांत्रिक के पास जाना है तो जाओ, वो ऐसे ही परेशान हो अपने दोनों दोस्त की मौत की वजह से। प्लीज आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अरे बाद में मेरी मौत के बाद भी पछताएगा तू। तांत्रिक बाबा मुझे बचा लो, मैं आ रहा हूं तांत्रिक बाबा। क्या हुआ तांत्रिक बाबा? मैंने खतरनाक से खतरनाक जिद्दी से जिद्दी आत्मा को अपने वश में किया है, अपना गुलाम बनाकर अपनी उंगलियों पर नचाया है। अगर ना जाने रजनी की आत्मा मेरे वश में क्यों नहीं आ रही है। मैंने बड़े से बड़े मंत्र का जाप किया लेकिन कोई फायदा नहीं राणा साहब। कहीं ऐसा तो नहीं आपको धोखा हुआ है? नहीं तांत्रिक बाबा, धोखा नहीं हुआ है। उस आत्मा ने मेरे दोनों साथियों को मार डाला है और मरने से पहले उन दोनों ने रजनी की आत्मा को देखा भी है। फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही है? मैंने ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप किया जिसके जाप करने से 200 साल पहले मरे इंसान की आत्मा भी मेरे सामने घुटने टेक देती है, अपनी मुक्ति के लिए दुआएं मांगती है। राणा साहब लगता है आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है, इसको अपना गुलाम बनाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्या थोड़ा वक्त और लगेगा? अरे नहीं तांत्रिक बाबा, उस वक्त तक तो वो मुझे इस धरती से उठाकर और घुमाकर ऊपर भेज देगी। ये खाली, ये खाली, ओ ये खाली।
ये लो तावीज, इसे अपने गले में डाल लो। जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में रहेगा, कोई भी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जय हो, जय हो। और रही रजनी की आत्मा की बात, बहुत जल्द मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। आप धन्य हो बाबा। जाओ सुनो, हमारी दक्षिणा का 1,00,000 रुपया जल्दी भिजवा देना। 1,00,000 रुपया बाबा, थोड़ा कम नहीं होगा? नहीं, जाओ। ए, चल 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 बॉस। अपनी मौत के डर का 1,00,000 रुपया। बेवकूफ। आइए आइए राणा साहब, आइए। आप तांत्रिक के पास हो आए? हाँ हो आया। तसल्ली हो गई? पूरी तरह हो गई। देखो ये, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। समीर और राजपाल दोनों ने उस लड़की को देखा था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो दोनों शराब पी पी के मरे, वो दोनों नशे में रहते थे। सुनो राणा, अब अपने मन से ये बदले की भावना, भूत प्रेत ये वहम निकाल दो, और ये जानने की कोशिश करो कि हमारा दुश्मन कौन हो सकता है जिसने इन दोनों का कत्ल किया। जो भी दुश्मन है उसने हमारे दोनों साथियों को मार डाला है, अब वो तुम पर या मुझ पर वार कर सकता है। लेकिन वो दुश्मन है कौन? जो भी है लेकिन बचेगा नहीं। राणा, वैसे दुश्मन तो हमारी पुलिस भी हो सकती है, क्योंकि हमारे दो साथियों का कत्ल हुआ, पुलिस आज तक खामोश बैठी। पुलिस, दो दोस्तों का कत्ल हो गया और आप आराम से चाय पी रहे हो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मतलब? तुम्हारे जिन दो दोस्तों का कत्ल हुआ है, मैंने उनके घर की तलाशी ली और तलाशी में मैंने पाया कि दोनों देशद्रोही थे, इसलिए कुत्ते की मौत मारे गए। अब तुम्हारी बारी है। कहना क्या चाहते हो तुम? अच्छा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं। एक जो 10 साल पहले 10-10 रुपये के लिए औरतों की दलाली किया करता था, और आजकल अपने साथियों के साथ मिलकर देश में आतंकवादियों को हथियार सप्लाई किया करता है। इंस्पेक्टर, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। ओ, सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? अबे, अगर सबूत मेरे पास होता तो इस वक्त मेरे सामने नहीं होता, बल्कि सलाखों के पीछे होता और बाहर बैठे लोग तुम्हारी चीखें सुन रहा होता। लेकिन तू घबरा मत, सबूत भी मैं बहुत जल्दी हासिल कर लूंगा। तो यह भी मालूम होगा कि मेरी पहुंच कहां तक होगी। एक बात जानकारी के लिए सुन लो, मेरी पहुंच उस खादी तक है जहां पर तेरे जैसे खाकी वर्दी वाले लोग सुबह शाम सैल्यूट करते हैं। अच्छा, ये जो खादी वाला है ना, जिसके बल पे तू भोगता है, उस कुत्ते से जाके कह देना कि जिस दिन खाकी वर्दी के पंजे में आ गया ना, उस दिन खादी की बेइज्जती साथ देने की ऐसी सजा दूंगा, उसकी 7 पुस्तक जो औलाद पैदा होगी ना, उल्ली और लंगड़ी पैदा होगी। बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है तू इंस्पेक्टर, अपने औकात से ज्यादा बोलता है। पछताएगा, बहुत पछताएगा। मैं पछताऊं? हाँ। पछताते वो है
जो डरते हैं। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी है, मरेंगे तो शान से, जिएंगे तो शान से, शहीद तो कहलाएंगे ना। और तू तू मरेगा तो कुत्ते की मौत मरेगा, और लावारिस कुत्तों की तरह घंटों तुम्हारी लाश सड़क पे पड़ी होगी या किसी गटर में होगी जिसे पहचानने वाला कोई नहीं होगा। और तू घबरा मत, वो सबूत बहुत जल्द मिलने वाला है और वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला है। इंस्पेक्टर ए, यहां चिल्लाना मत, ये डंडा दिख रहा ना, तेरे हलक में इतना घुसेड़ दूंगा कि कल से तू बोल ही नहीं पाएगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। बहुत पछताएगा इंस्पेक्टर, बहुत पछताएगा। आजी, कोई है क्या बाजी? हूँ ना, आता हूँ। किधर किधर? हाथ लो। अल्लो हाथ लगा दिया। उतार दिया नीचे। सब लोग किधर गए रे? सब लोग दिखता नहीं है। अरे सब लोग, अरे फैमिली आउट हो। हम कुछ समझा नहीं। समझा नहीं, मेरा मतलब है आज घर में कोई नहीं है। फैमिली आउट गो, यू नो इंग्लिश? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। यस नो थैंक यू, लेकिन तुम्हारी तरह पिटर 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 इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं आता। अरे तो सीखोगी? हमको सिखाएगा? अरे जरूर, क्यों नहीं। बट नॉट, हमारे बड़े साहब ना, उनकी बीवी है ना, उनको मैंने इंग्लिश सिखाई थी। तो मुझे भी अपना मेम साहब की तरह अंग्रेजी सिखाओगे? अरे सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? अगर एक किलो भिंडी देगा, दो किलो वांगी देगा, कांदा है, पटाटे हैं, दूधी है। अरे दूधी उधी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कुछ नहीं। करेला? करेला? हाँ? करेला बहुत कड़वा होता है। जो मुझे चाहिए वो मैं खुद ही ले लूंगा। अच्छा तो मुझे ये बता, मुझे अंग्रेजी कब सिखाओगे बाबू? अरे कहो तो आज से सिखा दूँ। अभी सच्ची? तो सिखाओ ना, पहले खड़े हो जाओ ना। अच्छा अच्छा, टोकरी लेके? अरे इसको रहने दो यार, तुम उड़ जाओ। बोलो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन आई गो। बी फॉर बॉबी देओल। काई गुड, बॉबी देओल मेरी गो। और सी फॉर चंकी पांडे। चंकी पांडे हुई मां। और डी फॉर धर्मेंद्र। धर्मेंद्र आगे बोलना। फोर फोर फोर, हाँ तब मैं तुला सांगते हैं। ई फोर, अभी मेरा डोका में आया धर्मेंद्र ने, जो शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को बंदूक सिखाया, उसी तरह इंग्लिश बाबू हमको इंग्लिश सिखाना मांगता है। हाँ बिल्कुल ठीक बोली। हाँ? मैं धर्मेंद्र से कम, तुम हेमा मालिनी से कुछ ज्यादा नजर आती हो। हेमा मालिनी से कुछ ज्यादा ही हूँ। देख जो तुम्हारा फिल्म में होता है ना, ये कोई फिल्म नहीं है। समझ ला काय? समझ गया। काय समझ ला? समझ गया। जरा इधर आ, जरा और आना। आ गया। तू लाता मी सांगते, तुझा डोका फिर ले। अगर आज के बाद तुम मेरे को इधर नजर आया ना तो। अरे मैं बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा, मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाऊंगा। तू भी गायब हो जा। हम इधर से नहीं जाएगा तो। नहीं जाएगा तो मैं जाता हूँ। गायब हो गया? ओए माँ, मैं भी इधर से जाती। आई गो अब भाजी वाली। चला जा। आ, 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 आ,
हाँ साहब, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आपको पूछने आया है? किस इंस्पेक्टर की बात आई है? सच सच बताओ कानून को राणा के बारे में। वैसे पुलिस को सब कुछ पता चल गया है, सिर्फ सबूत की जरूरत है। तुम लोग अगर सरकारी गवाह बन जाओ तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को कम से कम सजा दो। ए इंस्पेक्टर, ये कोई नेता नहीं है जो पार्टी बदल लेंगे, ये मेरे आदमी है, मेरे राणा के। कितनी भी धमकी देगा ना, अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। मुझे जुबान अच्छी तरह खुलवाना आता है, और याद रखना, जिस दिन मैंने तुम्हारे किसी आदमी की जुबान खुलवा ली, उस दिन कोई भी खादी वाला तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अपनी इंक्वायरी बंद कर, वरना मैं तेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये तेरा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां तू बोलेगा और हम सुनेंगे, ये मेरा अड्डा है, मेरा राणा का अड्डा। यहां सिर्फ हमारी रिवॉल्वर बोलेगी और तेरी चीख सुनने वाले भी हम होंगे। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं देख लूंगा भाई, मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ओके। नहीं नहीं, ओके। मैं बैठो संजय। लो सर, मैं ड्यूटी पर हूं। ये रजनी कौन है?
रजनी? कौन रजनी? वही जिसने आपके पार्टनर समीर और राजपाल को मार डाला। ऑफिसर, वो मेरे दोनों पार्टनर पागल थे, वो पागलपन में बातें करते थे। पागल वो नहीं थे मिस्टर पीके, पागल तो आप हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर्स की हत्या रजनी नाम की लड़की ने की है। मेरे दोनों पार्टनर्स की हत्या नहीं हुई थी ऑफिसर, वो एक हादसा था, सिर्फ हादसा। आप ये कैसे विश्वास से कह सकते हैं उन लोगों की मौत हुई थी? और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो एक हत्या थी? क्योंकि आपके तीसरे पार्टनर राणा की हत्या मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप अपनी याददाश्त पर जोर दीजिए मिस्टर पीके, आपके चार पार्टनर्स में से तीन की हत्या रजनी कर चुकी है, और मुझे विश्वास है कि रजनी की आप लोगों से जरूर दुश्मनी रही है, इसलिए उसने आप लोगों की हत्या की, और अब सिर्फ आप बचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रजनी की आप लोगों से दुश्मनी है तो वो आपकी भी हत्या जरूर करने आएगी। ऑफिसर, मेरी किसी के साथ किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं किसी रजनी नाम की लड़की को जानता हूं। अगर मेरे पार्टनर्स का खून किसी रजनी ने किया तो मुझे नहीं मालूम। भगवान करे ऐसा ही, वरना या तो रजनी आप लोगों को मार डालेगी या पुलिस, क्योंकि पुलिस को यह पता चल चुका है कि आपके तीन पार्टनर्स जो मारे गए हैं वो देशद्रोही थे। वैसे पुलिस को आप पर भी शक है मिस्टर पीके, और अगर ये शक यकीन में बदल गया तो संजय तुम मिस्टर पीके संजय नहीं इंस्पेक्टर संजय कुमार, आई एम ऑन द ड्यूटी। मार दिया? ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे ऐसा ताबीज दिया था जिसके रहते हुए वो आत्मा उसे मारना तो क्या उसके नजदीक भी नहीं आ सकती थी। लेकिन बाबा, इंस्पेक्टर संजय के सामने रजनी की आत्मा ने राणा को मारा है। असंभव, असंभव। वो ताबीज बाबा, हो सकता है मरने से पहले इंस्पेक्टर संजय और राणा के बीच में हाथापाई हुई थी, उस समय हो सकता है वो ताबीज कहीं गिर गया हो। ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मेरी ताबीज की शक्ति के सामने उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ, पहले मालूम करो कि राणा की मौत से पहले उसके घर में ताबीज था या नहीं। जाओ। ठीक है बाबा, चलो भाई, चलो 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 चलो। रजनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रजनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ साहब, जी हाँ, ये रहा वो ताबीज। ये ताबीज हमें वहां पर मिला जहां पर राणा साहब का कत्ल हुआ था। इसका मतलब है कि हमारे तीनों दोस्तों की हत्या रजनी की आत्मा ने की है, और मैं समझता था कि हमारा कोई दुश्मन पैदा हो गया और वो मुझे नहीं नहीं मैं रजनी की आत्मा को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। साहब कैसे? वो तो एक आत्मा है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? उसे हम नहीं मारेंगे, उसे तांत्रिक बाबा मारेगा। उसके पास कोई तो हथियार होगा रजनी की आत्मा का खात्मा करने के लिए। तुम जाओ, जग्गू से कहो तांत्रिक बाबा को लेकर यहां आए। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा। तेरी दुश्मन। मेरी दुश्मन? हाँ तेरी दुश्मन, क्योंकि तू मेरे दुश्मनों का दोस्त है। कौन है तेरा दुश्मन? पीके। पीके? तो तू रजनी है? हाँ मैं रजनी की आत्मा हूँ। पीके और उसके साथियों ने मुझे मार डाला था, और मैंने पीके के साथियों को मार डाला,
अब सिर्फ तू और पीके बचा है। मेरे होते हुए तू पीके को नहीं मार सकती। बचा सकता है तो बचा ले। तू जानती नहीं कि तू किसके सामने खड़ी है। अभी तुझे अपने वश में करता हूँ। इसको कोई नहीं बचा सकता। की आत्मा ने तांत्रिक बाबा को खत्म कर दिया। हाँ साहब, वो बड़ी खतरनाक आत्मा लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? कोई रास्ता? हाँ, एक रास्ता है, एक रास्ता है। है जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? भगवंती जी, जिस घर में विजय का रिश्ता कर रहे हैं वो देशद्रोही का घर है। हाँ भगवंती, पीके के जो तीन साथी मारे गए उसके इंक्वायरी में मुझे पता चला है कि वो तीनों देशद्रोही थे। अब मेरा शक मेरा शक्ति के पे जाता है। अगर और अगर मेरा शक यकीन में बदल गया तो हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और अगर ये रिश्ता टूट गया तो विजय के दिल पे क्या गुजरेंगे? उसके तो सारे सपने टूट जाएंगे। विजय को उसके दिल पे कभी कोई ठेस नहीं पहुंची, इसलिए मैंने पूरी जिंदगी अपने सीने पर पत्थर रखा है। अपने अपने सारे सपने को मैं थमाता रहा। मैं खुद रोया हूंगा, मगर उसे उसकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दिया। उसे उसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है भगवंती। लेकिन आज मैं ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं। मैं कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। भैया विजय, आपको अपने फर्ज के रास्ते पर जाना चाहिए। भैया मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी। अरे नहीं, मेरी जायज नाजायज हर मांग आपने पूरी की है। आज मैं आपसे एक वचन और मांगता हूं भैया, आपके प्रति अपना फर्ज निभाने को
मैं अपने प्यार को भूल जाऊंगा भैया, अपने प्यार को भूल जाऊंगा भैया। अगर आपने मेरे लिए अपने फर्ज से गद्दारी की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भैया। विजय। हाँ भैया। मेरे भाई, I'm proud of you। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इससे शादी नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। मगर मेरा कसूर क्या है? कसूर उसूर की बात छोड़ो, खूबसूरत लड़कियों को पटाना, उनके साथ घूमना, फिर ऐश करना, यही अपना शौक है। अब तुमसे मेरा दिल भर गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो विजय, अगर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तो प्लीज इस तरह का मजाक मत करो। मजाक नहीं, बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ मैं। तो वो प्यार भरे वादे, वो कसमें, वो सब झूठा, ये हकीकत है। तुम्हें मुझसे बिछड़ते समय दुख तो जरूर होगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि ऐसी अपनी आदत है। पीके साहब, आपने इतनी रात को हमें क्यों बुलाया? महिमा, इतनी रात गए मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं 5-6 घंटे बाद ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तुम तो जानते हो कि रजनी की आत्मा ने मेरे तीनों दोस्तों को खत्म कर दिया, अब वो मेरे पीछे भी आएगी। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, मैं ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर उससे दूर चला जाना चाहता हूं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मेरे जाने से पहले मेरे सारे काले धंधों के कागजात, जितने भी सबूत हो, वो किसी को न मिले। इसलिए वो सारे कागजात, वो सबूत मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, ताकि मैं उसे जलाकर राख कर दूं। ठीक है। और सुनो, मेरे जाने के बाद तुम रंजना को गोली मार देना। क्या? और इस हवेली को उड़ा देना। मगर रंजना आपकी बेटी साहब। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, वो इस हवेली के मालिक ठाकुर दास की बेटी है। दौलत की लालच में मैंने ठाकुर दास का कत्ल कर दिया, लेकिन उसकी वसीयत में लिखा हुआ था कि जब रंजना 20 साल की हो जाए तो ये तमाम दौलत उसे दे दी जाए। रंजना को 20 साल होने में थोड़ी देर बाकी है, जैसे वो 20 साल की हो जाएगी, हम तमाम कागजात पर उसके दस्तखत ले लेंगे। अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो साहब? मुझे जबरदस्ती दस्तखत कराना आता है। जाओ पकड़ो उसे। विजय, ये क्या किया तुमने? रंजना का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया तुमने। तो मैं क्या करता भाभी, मैं जानता हूँ कि रंजना मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि भैया। तुम्हारे भैया ने ये सब कुछ नहीं मांगा था। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने रंजना का दिल दुखा है तो तुम जरा सोचो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, कितना दुख होगा उनको। तुम अभी रंजना के घर चलो और उसे सब कुछ सच सच बताओ और उसे माफी भी मांग लो। मगर भाभी, भैया वो रंजना के पिताजी। तुम्हारे भैया को सिर्फ शक है, और ये शक गलत भी हो सकता है। ये शक गलत भी हो सकता है विजय, और जब तक तुम्हारे भैया को रंजना के पिता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। चलो मेरे साथ आओ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसे मैं अपना पिता समझती हूँ, वो मेरे पिताजी की शक्ल में मेरे पिता का हत्यारा है। अब जब तुम्हें सब कुछ साफ साफ पता चल गया है, तो तुम अपने इस कमीने और हरामी बाप के कहने पर इन कागजात पर सिग्नेचर कर दो बेटी। कभी नहीं, मैं इन पेपर्स पर सिग्नेचर कभी नहीं करूंगी, चाहे तो मेरी जान ले लो। ना ना ना, गोली हम तुम्हें नहीं, गोली तो हम तुम्हारे आशिक विजय को मारेंगे, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। भीमा, जाके विजय को उठा कर ले आओ। विजय, उठा कर लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया हूँ तुम्हारे हाथ उठाने के लिए।
विजय, ऐसा नहीं होगा पीके, आज तू देश नहीं बल्कि ये दुनिया छोड़कर जाएगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कमीने। रजनी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। कानून को पता चल गया कि तुम जिंदा हो। क्या ये जिंदा है? हाँ, ये जिंदा है। हाँ, तुम लोगों ने अपने हाथों से मारा था। तुम लोगों ने मुझे और मेरे पति को मरा समझकर नदी में फिकवा दिया था, लेकिन कुदरत ने मेरे पति को तो अपने पास बुला लिया, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया तुम लोगों से बदला लेने के लिए। और तुमने आत्मा बनकर समीर राणा राजपाल और तांत्रिक की हत्या कर दी। हाँ, जब मैं समीर के घर गई तो वहाँ देखा, वहाँ पे एक लड़की थी। जब मैं और इसी तरह तुम सबका खात्मा करना चाहती थी, मगर अब तुम्हारी इस नाटक का खेल बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस खेल का खात्मा पीके को खत्म करने के बाद ही होगा। नहीं रजनी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पीके को उसके गुनाहों की सजा कानून देगा। नहीं, तुम दोनों अपनी पिस्तौलें फेंक दो। देखो पीके, फेंक दो पिस्तौलें, फेंक दो। तुम लोग इधर जाओ, जाओ। देखो इंस्पेक्टर, देखो पीके, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना इंस्पेक्टर, आगे बढ़ने की कोशिश मत। कौन हो तुम? मैं हूँ दिल दिल वाला, दुल्हनिया लेने आया हूँ। जल्दी सबकी लड़की का कन्यादान करो, वरना गोली मार दूंगा। अबे ये तो डंडा है, कैसे गोली मारेगा? क्या क्या आपकी जान कीमती है? अब मैं तो राजदीप के मरने के बाद एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। अब मुझे मुक्ति मिल गई। वो देखो, राजदीप मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आ रही हूँ राजदीप, मैं आ रही हूँ।